नमस्कार दोस्तों, आज हमारा एक पावर टिलर का हम बॉटम गियर नीचे वाला गियर ये हमारा टूट गया है, इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ से ये नट खोल के गियर रेल निकाल देना है। गियर रेल निकालने के बाद यहाँ से ये प्लेट में से 4 बोल्ट हैं या 6 बोल्ट हैं इसको खोल लेना है। दो इस तरफ है, दो उस तरफ है, इसको खोल देना है ये हमने। सबसे पहले इसको यहाँ से 4 या 6 बोल्ट में से खोल के हमने ऊपर उठा देना है भाई। ये ग्रारी आ जाएगी ऊपर से, इसको ग्रारी को खोलेंगे। अब हम ऊपर स्प्लिट पिन लगी हुई है, स्प्लिट पिन को हम एक मदद से फोल्ड करके उतार लेनी है, उसके बाद चेक नट निकाल लेना है, फिर ये ग्रारी ऊपर से निकल जाएगी। इस तरह हमने स्प्लिट पिन सीधी करके यहाँ बाहर नोज प्लास से पेचकस की मदद से बाहर निकाल देना है। स्प्लिट पिन निकालने के बाद हमने ऊपर से ये चेक नट खोल लेना है। यहाँ पे ये अम्ब्रेला गियर हमने बाहर निकालना है। ये अम्ब्रेला गियर टूट गए हैं, ये दांत खराब हो गए हैं, तो ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। इस तरह हम अम्ब्रेला गियर चेंज करना है। उसके बाद ये क्राउन पिन चेंज करना है हमने। गियर बॉक्स टूट गए तो यहाँ नीचे से इस प्लेट को खोल लेना है। यहाँ से 10 नंबर का ट्री स्पैनर लगेगा, अच्छी क्वालिटी के ट्री स्पैनर से खोलना है, क्योंकि ये मशीन से टाइट किए गए हैं तो आपसे नहीं खुलेंगे। अच्छी क्वालिटी का स्पैनर लेके हमने 6 बोल्ट खोल लेने हैं यहाँ से। यहाँ पर क्राउन पिन भी इसी तरह चेंज होना है, और बैरिंग कोई खराब हो रहा है तो यहाँ पर इसी तरीके से चेंज होना है। पूरी वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ। इसमें चैनल को हमारे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है, बेल आइकन वाले बटन को दबा लेना है, ताकि आगे भी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। ये हमने 6 बोल्ट खोल दिए हैं। अब प्लेट को वहाँ दूसरी तरफ से एक्सल को छोड़ लगाएंगे तो ये प्लेट पीछे हट जाएगी, ये प्लेट बाहर आ जाएगी, बैरिंग आएगा, दोबारा छोट लगाएंगे तो ये गए गियर। एक्सल चेंज करना है तो यहाँ से एक्सल बाहर आ जाएगा, बैरिंग चेंज हो जाएंगे। ये पिन क्राउन चेंज करना है, ये क्राउन है, क्राउन गियर, तो ये चेंज करना है, ये भी यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ इसे बाहर निकाल के हम यहाँ पे कुछ टूट फूट है यहाँ से चेंज कर रहे हैं। यहाँ से ये पिनियन बाहर निकलेगा, कैसे निकालना है ये भी हम बता रहे हैं। इसे बाहर निकालने के लिए हमने यहाँ पे बैरिंग वाला कप्पा है उसे बाहर निकालना है। ये देखिए कहाँ से कैसे निकालना है, यहाँ से ऊपर से हमने किसी सरिये या राड की मदद से वो कप को अंदर की तरफ धकेल देना है। जो मैं आप ध्यान से देख रहे हैं कैसे मैंने स्पोर्ट लगा के कप को अंदर की तरफ धकेला है, वो कप बाहर निकल जाएगा। वो कप बाहर आ गए, अब ये पिनियन भी बैरिंग समेत बाहर आ जाएगा। ठीक, अब हम इसे चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस करना है तो अब नया मैंने लगाना है, तो नया ये टूट गया है तो हम नया लगाएंगे यहाँ पे, तो ये इसको कप को भी अंदर से चोट लगा के बाहर निकाल देना है। हमने यहाँ पे बैरिंग चेंज करना है यहाँ पे, तो इसे यहाँ से पकड़ के नीचे वहां फेंकेंगे तो उसे तो ये बैरिंग और गियर बाहर निकल आएगा। ये दोनों यहाँ से हम ये भी चेंज, ये शिम हमने ध्यान रखना है, ये शिम खोलने नहीं चाहिए। यह देखिए यहाँ पे बैरिंग नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैरिंग नंबर 6305 है, 6305 नंबर बैरिंग इसमें डलता है। तो यहाँ पे जो दूसरा शाफ्ट में नीचे डलता है वो यहाँ पे है 30305 बैरिंग डलता है यहाँ पे नीचे, और जो यहाँ पे पिनियन में डलता है, पिनियन में बैरिंग नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकना, यहाँ पे 30204 बैरिंग नंबर डलता है, यहाँ पे 30204 बैरिंग नंबर डलता है, और यहाँ पर जो बैरिंग डलेगा इसमें अम्ब्रेला गियर में 30205 डलेगा, 30205। मैंने तीनों चारों बैरिंग आपको बता दिए, यहाँ पे 4 बैरिंग डल रहे हैं, चारों बैरिंग के नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरह हम ये दोबारा अब हम मशीन में इसे फिट करेंगे अम्ब्रेला गियर को। यहाँ पे कोई भी ग्रारी, कोई एक्सल, कोई पिनियन, ये क्राउन गियर है, ये पिनियन है, ये एक्सल है, और ये अम्ब्रेला गियर है। चारों पांचों में कोई भी आइटम खराब हुए तो इसी तरह से चेंज हमने कर लेना है, बैरिंग निकाल के चेंज कर लेने हैं। ठीक है जी, अब हम इसको दोबारा फिट करेंगे। ये तो था हमारा
गेयर बक्से में कोई भी चीज खराब होती है तो उसको खोलने का तरीका। अब दोबारा हम इसको फिट कैसे करना है उसका भी तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। चैनल में वीडियो में बने रहिए आखिर तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबा दें ताकि आपको आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ वाला कप लगाएंगे, यहाँ पे ऊपर वाला अम्ब्रेला गियर वाला। अब हम इसके अंदर पिनियन डालेंगे, सबसे पहले ये पिनियन डालेंगे। पिनियन डालने के बाद हम वहां पे वो कप को टाइट करेंगे। पहले सब पिनियन डालने के बाद कप टाइट करना है हमने, वो जो निकाला था तो पिनियन पे चोट लग के ये कप टाइट हो जाएगा। पिनियन पे ही चोट लगा देनी है थोड़ी सी हैमर से तो टाइट हो जाएगा, इजीली से टाइट हो जाना है, वहां पर कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। पिनियन टाइट हो गया। अब यहाँ हम एक्सल में, यहाँ पे एक्सल में ये गरारी बुश डालेंगे। यहाँ हम एक्सल में ये गरारी इस तरीके से डालनी है एक्सल में, जिसे हम क्राउन बोलते हैं। एक शिम लगनी है, शिम के ऊपर हमने बैरिंग लगा देना है। इनको यहाँ से हम हैमर की मदद से नीचे टाइट कर देंगे बैरिंग को। ये इजीली टाइट हो गया है, कोई खास दिक्कत नहीं आई है हमें, तो यहाँ पे हम लगा देंगे अब इसको। अंदर की तरफ से गेल देना है, यहाँ से शाफ्ट बाहर आ जाएगी। यहाँ पे जैन लगा हुआ है, लीकेज ना करे तो जैन लगा लेना है। एनावॉन ट्यूब लगा के जैन नया लगा लेना है हमने काट के। यहाँ पे ये लगा देंगे हम ये प्लेट, एनावॉन ट्यूब लगा के हमने प्लेट लगा देनी है। इसे भी थोड़ा सा हैमर से टाइट करके ये 6 बोल्टों से टाइट कर देनी है। यहाँ पे ऊपर हमने ये अम्ब्रेला गियर लगा देना है, अम्ब्रेला गियर लगाना। यहाँ पे एक स्प्रिंग वाशर होगी, एक चेकनट होगा, तो स्प्रिंग वाशर लगाना है ऊपर, चेकनट को हमने टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद इसे अच्छे तरीके से टाइट करना है और ऊपर स्प्लिट पिन जरूर लगा देनी है। तो अब सुराख को मिला के हमने यहाँ पे स्प्लिट पिन लगा देनी है। इसी तरह हम हमारा ये बॉटम गियर लोअर केस गियर बॉक्स तैयार हो गया है, अब हम इसे मशीन में फिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन वाला बटन दबा लेना है ताकि आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।